आंदोलन चल रहा है गोरखालैंड अलग बनाने को लेकर, आज भी फ्लैग मार्च निकाला गया पूरे दिल्ली में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ डेढ़ महीने से नहीं चल रहा है, ये एक ऐसी इशू है जो 110 ईयर्स से चल रहा है। दैट्स वाई आज का जो फ्लैग मार्च था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था हमारे लिए, क्योंकि जो फ्लैग हम लेके गए हैं वो 110 मीटर्स का फ्लैग था। हम चाहते थे कि पूरी दुनिया को कम से कम ये पता चले कि हम इंडियंस हैं, राइट? वी आर इंडियन गोरखास एंड आर आइडेंटिटी एंड आर फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक ऐसे देश में रहते हो जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक कंट्री, एक ऐसा कंट्री है जिसमें ना जैसे अमेरिकन सोसाइटी होती है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि इट्स अ मेल्टिंग पॉट, सब लोग वहाँ पे जाते हैं तो अमेरिकन बन के ही रहना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ये खूबसूरती है कि आपको इंडियन बन के नहीं रहना पड़ता, इट्स लाइक अ फ्रूट ऑफ सैलड्स, आप अपने आप में भी जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, यही तो इंडिया का मतलब, यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया। लेकिन जो आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर रही है, हम छोटे छोटे जो चीज़ छोटे छोटे जो एग्जिस्टेंस है इस फ्रूट प्लेटर के, उनको मारने की कोशिश कर रही है। और अगर ये फ्रूट प्लेटर में से आप छोटे छोटे को मार दोगे तो बचेगा क्या? बचेगा तो सिर्फ मशी गुई बचेगा ना, उसका क्या करोगे अब? आप क्या इंडिया को अमेरिका बनाना चाहते हो? नहीं, इंडिया इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया डिफरेंट है, हम अलग अलग रह के भी हम लोग अलग से एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप ये भी सोचो तो भी इंडिया में अभी जितने भी गोरखाज है, हमारा रूट्स जो है, हमारी जो एक जीव जो होती है ना, फाउंडेशन जो है, अभी भी हमारा दार्जिलिंग में ही है क्योंकि हम आए वहीं से है। लेकिन हमारी जो ब्रांचेज है, हमारी जो रीच है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंडिया के तो आप कोने में कहीं पे भी जाओ, चले जाओ, आपको गोरखा मिलेगा ही मिलेगा। और गोरखा एक रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, वो आपको कभी भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा काम करता हुआ मिलेगा, चाहे वो काम आप दंडवान का रखो, चाहे वो काम एक मीडिया का एडिटर का रखो, या फिर एक आर्मी का कर्नल का रखो, वो हर लेवल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रिकग्निशन जो होता है इंडिया को कि इंडिया में कि गोरखा भी है, वो बिल्कुल ही नेग्लिजेंट है। आप लोग हमें नेपाल के नेपाली के साथ मिला लेते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नेपाल के नेपाली बुरे हैं, वो भी हम जैसे हार्डवर्किंग है, लेकिन हम डिफरेंट है। जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेशी रहते हैं, इंडिया में भी तो रहते हैं ना, ऐसे ही हम भी इंडिया में भी रहते हैं और नेपाली नेपाल में भी रहते हैं। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा लोगों को, आई थिंक बहुत देर हो जाएगा। इंडिविजुअली आपको क्या लगता है कि इतना ये सब करके आंदोलन जो हो रहा है पिछले एक महीने से और आज भी ये सब हुआ, तो क्या गोरखालैंड वाकई में बनेगा या फिर सिक्किम में मर्ज हो जाएगा? मुझे लगता है कि अगर इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, अगर इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, अगर वो अपने प्रियम्बल को मानती है जहाँ पे हमें राइट्स मिला है, फंडामेंटल राइट्स टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, स्पीक फॉर जस्टिस, राइट? अगर ये मानती है तो जरूर होगा। अगर इंडिया ने अपना प्रियम्बल भुला दिया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भुला दिया है और ममता बनर्जी जैसे डिक्टेटरशिप पे बाउ डाउन कर रही है और घुटने टेक दिया है, तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया की जनता चाहती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बचाए, अपनी सॉवरेंटी बचाए, तब जरूर होगा। क्योंकि हम नेपाली जो गोरखा जो दार्जिलिंग के, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को प्रोटेक्ट करें। अभी बासीरात में देखो कितना कांड हो गया, आज तक आपने दार्जिलिंग में कोई भी कम्युनल राइट्स नहीं सुना होगा, क्योंकि दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी कम्युनिटी से आओ वहाँ पे आप गोरखा पहन के आते हो, क्योंकि गोरखा कल्चर ही मल्टीकल्चरल है। वहाँ पे हिंदू भी गोरखा है, मुस्लिम भी गोरखा है, और क्रिश्चियन भी गोरखा है, और टिबेटन भी गोरखा है। अगर कोई ऐसा रिलीजन होगा जो आपने नहीं भी सुना होगा ना, तो वो भी गोरखा होता है। दैट्स हाउ ब्यूटीफुल गोरखाज आर। तो आपको क्या लगता है, लोग साथ आ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ गोरखालैंड बनना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप देखोगे, एक चीज होती है कि अवेयरनेस जो होती है ना हमारे टोटल कंट्री में बहुत ही कम है, क्योंकि प्रेस जो बेचना चाहती है वो बेचती है, राइट? अगर आपको कोई बताएगा कि काला काला है तो आप काले को काले ही समझोगे, अगर वो सफेद हो तो भी। लेकिन हमें लगता है कि हमें एफर्ट्स जरूर करना चाहिए कि इस बारे में पता चले लोगों को, राइट? और आप भी इस पे बहुत हेल्प कर रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इसलिए हमने क्या किया है कि 30 जुलाई 2017 में हम एक वर्ल्ड वाइड मार्च निकाल रहे हैं। इट विल बी फ्रॉम अराउंड 200 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में। 10 बजे सुबह सारे गोरखास अपनी अपनी जगहों पे निकल के रैली निकालेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम शायद एक गाय से तो बेहतर ही है। आप आके हमारे सिर पे गोली मार के चले जाते हो, कोई नहीं बोलता। आज तक 6 बंदों को आपने सिर पे शूट करके मार दिया, एक बंदा नहीं आया, ना तो मोदी ने कमेंट किया, ना तो होम मिनिस्टर ने कमेंट किया, किसी ने भी नहीं किया, शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन हम जाके शायद सारी जगहों में 200 प्लेसेस में हम रैली करेंगे, उस दिन शायद आपको लगे कि हम भी इंसान हैं।
हम भी इंडियंस हैं, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में हम 30 जुलाई को एक रैली निकाल रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो किस तरीके की पॉलिटिकल सपोर्ट की आप उम्मीद करती हैं, अगर आपको चाहिए कि पॉलिटिकल सपोर्ट हो? और गृह राज्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनसे आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना? मुझे लगता है कि देखो, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने बेनिफिट देखते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस को भी ये पता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली वोट में तो उठना ही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना है तो जो आम जनता इंडिया की है, जो एजुकेटेड जनता है, जो जनता रोज अपनी जीविका के लिए काम करता है, अगर वो हमें सपोर्ट करेगा तो कोई भी ऐसा लीडर, कोई ना मोदी, ना तो मोदी से बढ़ के अगर आप सुपर मोदी भी लाओगे ना, तो भी वो हमें नहीं स्टॉप कर सकता। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के, उन्होंने सबका साथ। तो गोरखा को लेकर उसका क्या रवैया, अब तक कुछ आपको लगता नहीं है कि कुछ पॉजिटिव? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ, देखो पॉजिटिव बोलना ये होता है कि नरेंद्र मोदी जी पे मुझे बहुत ज्यादा फेथ है, क्योंकि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने कभी भी अनडेमोक्रेटिक राइट्स को सपोर्ट नहीं किया है, और जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जरूर बोलेंगे, लेकिन एक ये भी होता है ना, घर का बाप जब बोल दे तो मामला खत्म हो जाता है। तो हम अभी ये, मेरा तो मानना यही है कि मोदी जी ने अगर इसराइल में जाके दार्जिलिंग का नाम लिया है तो उनके मन में तो हम जरूर बसते हैं। मुझे नहीं लगता कि गोरखाओं को उन्होंने बुलाया है, बस उनके लिए समय सही होना चाहिए जब वो चीज़ आगे लाएंगे, और मुझे लगता है कि मोदी जी डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।